हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं अगेन हाजिर हूँ आपके सामने अपने इस नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट एक्सेल टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एक्सेल की जो टेबल है, आप उसको अपनी वर्ड फाइल के अंदर, एमएस वर्ड की जो फाइल है या डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर आप टेबल एमएस एक्सेल के कोई भी टेबल को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही चैनल को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। तो दोस्तों, इस रिक्वेस्ट के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टेबल है। तो कभी भी अगर आपको एमएस एक्सेल का जो भी टेबल है उसको अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे जो भी आपका टेबल है इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एक कॉलम भी ऐड कर रखा है, वो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। वो क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जितना आपको डेटा है टेबल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे होम टैब के अंदर इस एरिया में आप देखें कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे कॉपी को सिलेक्ट करना है। कॉपी को सिलेक्ट करने के बाद कमांड को हम एमएस वर्ड की फाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में आपको जहां पर अपने टेबल को ऐड करना चाहते हैं आप वहां पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे पेस्ट का कमांड है, इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो टेबल है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पेस्ट का एक आइकन नजर आ रहा है स्मॉल सा, तो हम इसको यूज करके यहाँ पे आपका जो टेबल है इसके ऊपर अलग अलग तरीके से कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं या जो भी नए नए कमांड्स यूज करके हम पेस्ट से रिलेटेड जो भी कमांड्स है उसको यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट का जो है आइकन, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो पहले से सिलेक्ट है। आपको यहाँ पे करना ये है कि मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल। तो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि आपका जो ये एमएस वर्ड का टेबल है वो किससे मैच हो गया, जो आपका डेस्टिनेशन स्टाइल है। डेस्टिनेशन स्टाइल का मतलब ये है कि एमएस एक्सेल के अंदर जो टेबल है उस स्टाइल में आपको ये नजर आएगा। तो अब यहाँ पे पहले आपके पास यहाँ पे कॉलम नजर नहीं आ रहा था, तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब लाइनिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे चारों तरफ से टेबल के में लाइनिंग नजर आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। देन हम इस पे यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट एज अ पिक्चर। तो इसे सिलेक्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखा दूं, अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आसानी से ये जो कॉलम है इसके अंदर आसानी से इस सेल के अंदर ये कर्सर जो है मेरा ब्लिंक कर रहा है। मगर जैसे ही मैं पिक्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी तो क्या होगा कि आप यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये एक इमेज के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, वो देखें कैसे। तो यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है पेस्ट एज पिक्चर, अब हम यहाँ से सिलेक्ट किया, अब ये जो आपका जो टेबल है वो एक इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको एक सेल पे क्लिक करके दिखाया था तो वहां पे मेरा कर्सर ब्लिंकिंग करने लगा था, बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मैं क्लिक कर दूं यहाँ पे आप देखिए ये मेरा टोटल जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर वो एक इमेज के ऊपर जैसे हम अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग, अब वैसी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीजें दे रखी है, तो आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि ये इमेज में कन्वर्ट हो चुका है तो आपको इसको जिस मर्जी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे हम नॉर्मली इमेज के ऊपर जो भी कमांड अप्लाई कर दें वो सारी आप इस सेल के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिलहाल हम इसमें से कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें और भी कमांड अप्लाई करनी है, यूज करनी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट कमांड में जाएंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करते हैं। जैसे कीप टेक्स्ट ओनली पे करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी लाइनिंग है वो भी नजर नहीं आएंगी, जो आपका जो टेक्स्ट है वो आपका देखिए जो टेबल है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगेन हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक टू एक्सेल, और इसके लास्ट में जो कमांड है मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल एंड लिंक टू एक्सेल, दोनों वैसे एक ही है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो आपका जो भी डेटा होगा उसमें साइड में लाइनिंग जो नजर आती है वो आपको नजर नहीं आएगी, बट मैच डेस्टिनेशन में करेंगे तो साइड में लाइनिंग नजर आएगी। बट दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये होगा कि इस टेबल का जो लिंक है वो आपकी एक्सेल
का जो टेबल से है लिंक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्सेल में जो भी चेंजेस करते हैं, एक्सेल के अंदर जो टेबल है उसमें आप जो भी नया डेटा ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, कुछ किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस आपको डायरेक्ट एमएस वर्ड में जो टेबल अवेलेबल है उस पर नजर आएगा। वो इसलिए नजर आएगा क्योंकि एक्सेल की जो एमएस वर्ड की जो टेबल है इसका जो लिंक है वो एक्सेल के जो फाइल है जो टेबल है उससे हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक टू एक्सेल को सिलेक्ट कर रही हैं। जैसे ही आपने इसे सिलेक्ट किया तो देखिए टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप चेंजेस वहाँ पे करेंगे तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे नजर आएगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कहीं पे भी आउटसाइड में लाइनिंग आपको नजर नहीं आ रही है, जो कि नॉर्मली हम नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको नजर आएगा चेंजेस। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे हम डेटा ऐड करेंगे। तो मैं अभी न्यू डेटा ऐड करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। ये जो हमने लिंक की बात की थी कि एक्सेल की जो टेबल का जो लिंक है वो आपका वर्ड की जो फाइल है उससे लिंक हो जाएगा टेबल से, तो अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 4000 को मैंने इतने 1 2 3 4 सेल के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि एम एस वर्ड में क्या चेंजेस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सेल था, यहाँ पे ये जो मैंने ऐड किया था एक्सेल की टेबल के अंदर, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसका जो लिंक है वो एम एस एक्सेल का जो टेबल है या कहीं जो फाइल है उससे इसका लिंक हो गया है इसीलिए। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड को सिलेक्ट करते हैं। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे पेस्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे एंड देन अभी हमने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। अब हम सिलेक्ट करेंगे मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल एंड लिंक टू एक्सेल। जैसे हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे साइड में जो भी रो एंड कॉलम थे यहाँ पे आपको लाइनिंग नजर आ रही है। मगर इसका जो लिंक है वो एक्सेल में जो टेबल है उससे है, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। वो इसलिए है, फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे आपको लाइनिंग अब नजर आ रही है, पहले लाइनिंग नजर नहीं आ रही, बट दोनों में लिंक का ऑप्शन था। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्सेल के अंदर और जा करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यू डेटा, यहाँ पे हम ऐड करें 3000 ऐड करके देन इसे भी ड्रैग कर देते हैं हम, बाकी जो सेल है उसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस हमने यहाँ पे किया वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं। जैसे आप एमएस वर्ड में जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3000 हमने ऐड किया था वो टोटल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बाकी सेल के अंदर भी। तो ये हमारा पेस्ट का कमांड है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सो फ्रेंड अगर आपको कभी भी यहाँ पे अभी जब हम डेटा को पेस्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट का नॉर्मली जो आइकन है आपको नज़र आ जाता है, बट अगर कभी ये कमांड कहे ये नज़र ना आए पेस्ट करने पे तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे वर्ड ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले पॉपुलर डिस्प्ले प्रूफिंग सेव एडवांस, तो इसमें से आपको एडवांस को सिलेक्ट करना है। जैसे आप एडवांस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कट कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप जाएंगे पहले से स्क्रॉल करेंगे, देन आपको यहाँ पे देखिए शो पेस्ट ऑप्शन बटन, यहाँ पे ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, बट अगर ये सिलेक्ट ना हो, जैसे मान लीजिए अगर आप देखना अपनी फाइल के अंदर एमएस वर्ड के अंदर अगर ये ऐसे सिलेक्ट हो, इस तरीके से हो, मतलब सिलेक्ट ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कभी भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कभी भी जो स्मॉल सा आइकन है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का यू मस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये जो है हमेशा सिलेक्ट होना चाहिए, ताकि जब भी अगर आप एमएस वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा वो जो आइकन है वो आपको नजर आएगा। तो हम इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे हम पेस्ट का जो ऑप्शन है इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करके टेबल के ऊपर कैसे अलग अलग तरीके से एमएस वर्ड के अंदर जो भी टेबल हमने ऐड किया है एक्सेल से उसमें कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम साइड में जो लाइनिंग नज़र आती है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे टेबल को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रिड लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे रो एंड कॉलम शो कर सकते हैं टेबल के चारों तरफ, और कैसे हम टेबल को एक टेक्स्ट के रूप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज एक पेस्ट कमांड से सीखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।